गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू योर नर्सरी ऑनलाइन क्लासेस। चिल्ड्रेन, टेक आउट योर जीके बुक। योर बुक नेम इज फन विथ पिक्चर। टेक आउट दिस बुक, पेज 3। सी चिल्ड्रेन, इट लेसन 1, माय फैमिली। माय फैमिली मींस, माय फैमिली का मतलब क्या होता है कि जो घर में आपके साथ आपका मम्मी पापा, आपका भाई, आपका बहन, आपके दादा दादी, नाना नानी सब आपके साथ रहते हैं, उसी को बोला जाता है फैमिली। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? फैमिली, जिसको हम हिंदी में परिवार बोलते हैं, हम इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? फैमिली। तो इट इज़ रिटन, यहाँ देखिए क्या लिखा है, माय फैमिली। सो यहाँ देखिए लिखा है मदर, फादर, सन, डॉटर। मदर माँ को, अब जिसको माँ बोलते हैं उसको इंग्लिश में हम मदर बोलते हैं, पिताजी जो आप बोलते हैं उसको हम फादर बोलते हैं। ये देखिए जो आपका भाई रहता है उस वो आपका मम्मी पापा का क्या हुए? सन हुए। इंग्लिश में सन बोला जाता है, माने लड़का। आपको मम्मी पापा का बेटी को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? डॉटर। तो फैमिली में क्या है देखिए, मदर, फादर, सन, डॉटर। और यहाँ देखिए कौन कौन रहता है माय फैमिली में, आंट, अंकल, नेफ्यू, नाइस, माने अंक, आंट, अंकल, माने आपका चाचा चाची, चाचा चाची का लड़का लड़की को, चाचा चाची का लड़का लड़की को क्या बोला जाता है? नेफ्यू, नाइस बोला जाता। और आपका चाचा चाची को इंग्लिश में क्या बोला जाता? आंट, अंकल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ रिटन ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड फादर का मतलब आपके पापा के पापा को ग्रैंड फादर बोला जाता है, आपके पापा का मम्मी को ग्रैंड मदर बोला जाएगा, आपके और आप उनके क्या हुए? आप उनके ग्रैंड सन हुए, और लड़की रहेंगे तो ग्रैंड डॉटर बोलेंगे। आपका दादा दादी आपको क्या बोलेंगे? ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ब्रदर, सिस्टर। ब्रदर का मतलब भाई, सिस्टर का मतलब बहन, कजन्स का मतलब आपका जो चाचा चाची जिसके बच्चे सबको आपका कज़न बोला जाता है। देखिए सो ये है आपका फैमिली। एक फैमिली में कौन कौन रहता है देखिए, आपके फैमिली में सब, हम सब के फैमिली में कौन कौन रहता है? फादर, मदर, सन, डॉटर, आंट, अंकल, नेफ्यू, नाइस, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, कज़न। सो हम लोग के फैमिली में इतने सब रहते हैं, ये सब हम हमारे फैमिली में रहते हैं, तो इसी को बोला जाता है माय फैमिली। तो आपको ये सब ओरल याद करना है। अगर आपको कोई पूछेंगे तो आपके फैमिली में कौन कौन है, तो आप अगर इसको याद कीजिएगा तो बोल दीजिएगा फादर, मदर, सन, डॉटर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, सब हमारे फैमिली में रहते हैं। देखिए नीचे ये क्या लिखा हुआ है, टिक द करेक्ट आंसर। डू यू लिव इन योर फैमिली, क्या आप आपके फैमिली में रहते हैं? फैमिली के साथ आप एक फैमिली में रहते हैं क्या? तो क्या लिखिएगा, येस और नो, क्या बोलिएगा? येस। तो येस में आप यहाँ टिक कीजिए। तो फादर ऑफ आवर फादर इज ग्रैंड फादर, आपके पापा का पापा को क्या बोला जाएगा? ग्रैंड फादर। तो इसको आप ओरल याद कीजिए ताकि आपको कोई अगर पूछे तो आप ठक से जवाब दे दीजिएगा, एकदम सही जवाब दे दीजिएगा। इसीलिए इसको आप अपने मम्मी के पास ओरल याद कीजिए। यह है आपका होमवर्क, पेज 3 है आपका होमवर्क।